इससे पहले वाले लेक्चर में हम इम्पल्सिव फोर्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर इम्पल्सिव फोर्स इन कार्टेशियन फॉर्म पर आप प्राप्त करेंगे। लेट अस टेक ए फ्लूड एलिमेंट पी क्यू आर एस पी डैस क्यू डैस आर डैस। लेट पी एक्स वाई बी ए फ्लूड पार्टिकल यू कैन सी हेयर इन दिस फ्लूड एलिमेंट। एंड लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ द फ्लूड एंड ओमेगा टिल्डे बी द इम्पुल्सिव प्रेशर एट पी। लेट यू वन वी वन डब्लू वन एंड यू टू वी टू डब्लू टू बी द वेलोसिटी कंपोनेंट्स एट पी जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर द इम्पल्सिव एक्शन। लेट आई एक्स आई वाई आई जेड बी द कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्सेस पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूड। ठीक है, हमने एक पार्टिकल लिया पी और उस पर एक फ्लूड एलिमेंट बना दिया और हमने रो भी दी डेंसिटी ली ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूड और इम्पल्सिव प्रेशर ओमेगा टिल्डे से डिनोट किया एट पी पे और आई एक्स आई वाई आई जेड बी दी कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्सेस पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूड लिया। यू वन वी वन यू वी डब्ल्यू वन यू टू वी टू बी दी वेलोसिटी कंपोनेंट्स जस्ट एट पी जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर द इम्पल्सिव एक्शन। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड बी द लेंथ ऑफ एजेस ऑफ पैरेललोपिप पैरेलल टू देयर रेस्पेक्टिव एक्सिस। नाउ ऑन द फेस पी क्यू आर एस द फोर्स विल बी ओमेगा बार ओमेगा प्रेशर इम्पल्सिव प्रेशर इंटू डेल वाई डेल जेड। तो ये किसका फंक्शन होगा? एफ एक्स वाई जेड यू कैन सी हेयर इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। अब चूंकि हम एलोंग एक्स डायरेक्शन ले रहे हैं तो चेंज किस में आएगा? एक्स डायरेक्शन में। तो फोर्स ऑन द फेस पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश के क्या होगा? एफ 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 ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई जेड और इसे एक्सपेंड कर देते हैं बाय टेलर्स एक्सपेंशन। इसी तरह से जो आप पैरेललोपिपेड पर नेट फोर्स ऑन द अपोजिट फेस पी क्यू आर एस एंड पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश पर क्या होगा? माइनस डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स ओमेगा वार डेल वाई डेल जेड और इसे ये कह सकते हैं इक्वेशन वन माइनस डेल एक्स डेल वाई डेल जेड डेल ओमेगा टिल्डे अपॉन डेल एक्स एलोंग एक्स एक्सिस। दिस इज एक्ट एलोंग एक्स एक्सिस। और चूंकि हमें अप्लाई करना है न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर इम्पल्सिव मोशन तो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी किस किस की? चेंज ऑफ मोमेंटम एलोंग एक्स एक्सिस। तो द इम्पल्सिव ऑन द एलिमेंट्री पैरेललोपिपेड अलोंग द एक्स एक्सिस कितना होगा? ड्यू टू एक्सटर्नल इम्पल्सिव बॉडी फोर्स आई एक्स रो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इसका मास हो गया आई एक्स इंटू आई एक्स। इम्पल्स मीन्स आवेग। तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस रो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड यू टू माइनस वी वन। आप मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं एम वी जो आपका मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो ये इसी तरह से लिया गया वही फार्मूला यूज करके। तो इस पर जो है चेंज ऑफ मोमेंटम ये हो गया इम्पल्सिव बॉडी फोर्स की इम्पल्सिव क्या हो गया ड्यू टू इम्पल्सिव बॉडी फोर्स आई एक्स रो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड आई एक्स हो गया और नेट फोर्स ऑन द अपोजिट फेसिस क्या हुआ? माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड डेल ओमेगा अपॉन डेल एक्स हुआ। ठीक है, अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। क्या है? टोटल इम्पल्सिव अप्लाइड अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर इस इक्वेशन ये इक्वेशन प्राप्त की हमने, इसमें क्या है कॉमन? इसमें डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड कॉमन है तो विच इज नॉन जीरो इट रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड देयर फोर वी गेट रो यू टू माइनस यू वन इक्वल टू रो आई एक्स माइनस डेल ओमेगा टिल्डे अपॉन डेल एक्स इक्वेशन फोर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इम्पल्सिव दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अंडर इम्पल्सिव फोर्सेस एलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह से हमने वाई एक्सिस के एलोंग लेंगे रो वी टू माइनस वी वन रो आई वाई माइनस डेल ओमेगा अपॉन डेल वाई। इसी तरह से रो डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन रो आई जेड माइनस डेल ओमेगा बार अपॉन डेल जेड। तो ये इक्वेशन हुई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूड अंडर इम्पल्सिव फोर्सेस। तो यहाँ पर ये हमने इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर इम्पल्सिव फोर्स प्राप्त की। नाउ ऑन नेक्स्ट पेज वी विल ऑब्टेन द एनर्जी इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन क्या है?
ये फार्मूले से ही सिद्ध हो जाता है इसमें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द नेट रेट ऑफ वर्क डन बाय द फ्लूड प्रेशर ऑन द फ्लूड एलिमेंट, ठीक है। और इसे इस तरह से भी जो है, इस तरह से जो और तरह, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल एन इंट्रिंसिक ऑफ एनी पोर्शन ऑफ कंप्रेसिबल इनविस्ट फ्लूड, फ्लूड कितने थे, इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल। तो कंप्रेसिबल में क्या क्या आते थे, गैस एक्स्ट्रा। तो इनविस्ट फ्लूड एज इट मूव्स अबाउट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रेट एट विच वर्क इज बींग डन बाई द प्रेशर ऑन द बाउंड्री, ठीक है। तो द पोटेंशियल ड्यू टू द एक्सट्रानियस फोर्सेस, एक्सट्रानियस मतलब बाहरी, इज सपोज टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। जो बाहरी फोर्स है, जो पोटेंशियल है ड्यू टू बाहरी फोर्स, वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम इसमें मान लिया गया है, ठीक है। अब हम प्रूफ करना शुरू करते हैं। लेट वी बी वॉल्यूम एनक्लोज बाय ए सरफेस एस, लेट डी वी बी द वॉल्यूम ऑफ ऑफ ए डी वी बी द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूड एनक्लोज बाई डी एस एंड पी बी द पॉइंट विद इन इट एंड एन इज द इनवर्ड यूनिट नॉर्मल वैक्टर, ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अब यहाँ से हम सबसे पहले लेट क्यू आर टी बी दी वेलोसिटी एट पी, तो देन आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन इज रो डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डेल पी प्लस रो एफ, दिस इज इक्वेशन वन, यू कैन से हेयर, यू नो वी हैव प्रूव्ड ऑलरेडी। नाउ लेट द एक्सटर्नल फोर्सेस बी कंजर्वेटिव, क्योंकि फोर्स क्या है यहाँ, कंजर्वेटिव है। और यहाँ पर एफ की वैल्यू, कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स की क्या डेफिनेशन बताई थी, एफ इक्वल टू माइनस डेल ओमेगा, इंडिपेंडेंट ये है ना, ये डेल ओमेगा, एफ इक्वल टू माइनस डेल ओमेगा, या ये कैसे इसे वो कर सकते हैं, लेट द एक्सटर्नल फोर्सेज बी कंजर्वेटिव सो दैट देयर एग्जिस्ट ए फोर्स पोटेंशियल ओमेगा विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम का मतलब डेल ओमेगा अपॉन डेल टी इक्वल टू जीरो, तो दस एफ इक्वल टू माइनस डेल ओमेगा एंड डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, पुटिंग दीज वैल्यू इन वन इक्वेशन, एक आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन में रख देते हैं ये वैल्यू, और मल्टीप्लाइंग क्यू ऑन बोथ साइड ऑफ वन, यू विल गेट हेयर रो क्यू डॉट डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस क्यू डॉट डेल पी माइनस रो क्यू डॉट डेल ओमेगा, और इसे सिंप्लीफाई करने पे आपने प्राप्त किया इक्वेशन टू। अब जो इक्वेशन टू है, चूंकि हमें इसे कन्वर्ट करना किस में, एनर्जी इक्वेशन में, तो यहाँ पर हम कुछ वैल्यू इस तरह से रख सकते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी टी, दिस इज कहाँ है जो है, दिस इज रिलेशन बिटवीन कन्वेक्टिव मटेरियल लोकल डेरिवेटिव डी ओमेगा, ये जो ऑपरेटर है कन्वेक्टिव मटेरियल और लोकल डेरिवेटिव, ये ओमेगा पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि डेल ओमेगा अपॉन डेल टी जीरो है, तो ये किसके बराबर होगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी क्यू डॉट डेल ओमेगा। अब इसे दो में पुट कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन टू में वी गेट, यहाँ से हमें क्या मिला, रो डी अपॉन डी टी वन अपॉन क्यू आई स्क्वायर प्लस डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस क्यू डॉट डेल पी, और इसे सिंप्लीफाई करते हैं, रो डी अपॉन डी टी वन अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस क्यू डॉट डेल पी, राइट। अब इंटीग्रेटिंग ऑन दिस बोथ, ऑन दी बोथ साइड टू दिस इक्वेशन, तो वी गेट ओवर, वी इंटीग्रेट किया हमने, तो ओवर इंटीग्रेशन वी रो डी अपॉन डी टी वन अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस ओमेगा डी वी इक्वल टू वी ऊपर वाला पोर्शन इंटीग्रेशन के अंतर्गत, ठीक है। इसे अगर ये और बड़ा हो जाए तो ये क्लियर, तो यहाँ पर वी क्यू डॉट डेल पी डी वी, ठीक है। अब चूंकि इसमें देखिए डी अपॉन डी टी को हम बाहर ले लेते हैं, तो जब हम बाहर लेंगे तो सिंपल डिफरेंशिएशन से ये होगा कि रो भी तो इसके अंदर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, और जो पोर्शन नीचे आप देख रहे हैं इसमें, सिंस डी अपॉन डी टी रो डी वी, डी वी रो डी वी क्या है, इसका मास है और वे कांस्टेंट है, तो जीरो हो जाएगा वे, रो डी वी डज नॉट चेंज विद टाइम, देयरफॉर यू कैन राइट, यू कैन ऑब्टेन द इक्वेशन थ्री, ऊपर वाली इक्वेशन से आप इस तरह से ये प्राप्त कर सकते हैं, डी अपॉन डी टी
in bracket integration over v of 1 upon 2 rho q square dv plus integration over v rho omega dv or equal to integration over v of q dot del p dv equation 3 प्राप्त की हमने इस तरह से. अब चाहे तो यहाँ t काइनेटिक एनर्जी रख लेंगे. नाउ वी गो टू नेक्स्ट पेज. तो यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी t बराबर रखी, w बराबर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी रो ओमेगा dv, और इसे हमने जो पीछे वाली थ्री इक्वेशन है उसमें रखी, तो ये क्या बन गई, डी अपॉन डी टी प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी ओवर इंटीग्रेशन ओवर वी ऑफ क्यू डॉट डेल पी डी वी, हमने इसे चार कहा. अब ये जो इक्वेशन चार का राइट हैंड पार्ट है इसे हम और एक्सपेंड कर सकते हैं इस तरह से, डेल पी क्यू किसके बराबर होगा, पी डेल क्यू प्लस क्यू डॉल डेल पी, और यहाँ से क्यू डेल पी की वैल्यू निकाल ली हमने और इसे हमने चार में रख दिया, तो ये क्या मिला हमें, इक्वेशन फाइव मिल गई. ठीक है, अब इसमें क्या है, माइनस वी डेल पी क्यू प्लस वी पी डेल डॉट क्यू डी वी. अब ये जो पोर्शन है डेल पी की, पहले वाला जो पार्ट है इसे हम विद द हेल्प ऑफ बाई गॉस डाइवर्जेंसी थ्योरम से कन्वर्ट कर देते हैं सरफेस इंटीग्रल में, तो ये हो गया आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी क्यू डॉट एन डी एस, एन इज इनवर्ट नॉर्मल वैक्टर है, चाहे यहीं से आप प्लस लगा सकते हैं इसमें, तो ये बाद में प्लस कर दिया जाएगा आर के बराबर, इसे ये होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ पी क्यू डॉट एन डी एस ओवर एस प्लस वी इंटीग्रेशन ओवर वी ऑफ पी डेल डॉट क्यू डी वी, इक्वेशन फाइव हुआ. तो अब ये पी डेल डॉट क्यू डी वी को हम अगर डी आई अपॉन डी टी के बराबर अप्रूव कर दें तो ये समस्या हमारी सोल्व हो जाएगी, है ना, और पी क्यू डॉट एम डी एस किसके आर के बराबर रख दें तो हमारी इक्वेशन ऑफ एनर्जी मिल जाएगी हमें. तो इसके लिए हमने हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर. तो नाउ यहाँ लिखा भी लिख भी दिया, नाउ आवर एम इज़ टू प्रूव दैट जो फाइव का राइट हैंड पार्ट का सेकेंड टर्म है, सेकेंड एक्सप्रेशन है, तो उसे हम अगर डी माइनस डी आई अपॉन डी टी के बराबर आई क्या इंटेंसिक एनर्जी है प्रूफ कर दे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. अब हम जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्टिंग एनर्जी आई बराबर किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटीग्रेशन ओवर वी ऑफ रो ई डी वी. तो ई क्या है यहाँ, ई आपका जो है वेयर ई इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर पी. ठीक है, अब जो आई बराबर इंट्रिंसिक एनर्जी ये हो गया और ई की भी ई भी डिफाइंड हो गया, और ई बराबर हम जो ई है हमारा जो एनर्जी है वर्क डन है बाय द यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर पी है, तो वे प्रेशर टोटल प्रेशर देखते हैं वॉल्यूम वी से वी नोट पे पी डी वी होगा, टोटल प्रेशर जो वर्क डन है प्रेशर बराबर प्रेशर इनटू वॉल्यूम. ठीक है, तो ई टोटल कितना होगा, ई वर्क डन बाय द यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर पी, ई बराबर ऊपर दिया हुआ है ये वाला ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी फ्रॉम वी टू वी नोट. अब इसे क्योंकि v बराबर क्या होता है ये पहले चैप्टर में बता चुके हैं हम आपको, v बराबर वन अपॉन रो, तो इसे हमने कन्वर्ट कर लिया कि इसमें ई वी टू वी नोट पी डी वी रो टू रो नोट में, तो यहाँ पे हमने पी डी वन अपॉन रो रखा, और ये जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे वन अपॉन रो का तो क्या बन गया, माइनस रो टू रो नोट पी अपॉन रो स्क्वायर डी रो, और ये किसके बराबर हो गया आप, क्योंकि जब हम ये चेन लिमिट चेंज करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो गया ये, तो ये दिस यू कैन से इट सिक्स इक्वेशन. अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें किसका, ई का, जो आपका वर्क डन बाय द यूनिट मास है ऑफ द फ्लूइड अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स, तो जब हम डी अपॉन डी टी किया तो ये इक्वल हो गया पी अपॉन रो स्क्वायर के, और क्योंकि ये विद रेस्पेक्ट टू रो किया गया है डिफ्रेंसिएशन तो इसे विद रेस्पेक्ट टू टी में कन्वर्ट करें, डी अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन रो इंटू डी रो अपॉन डी टी इक्वल टू पी अपॉन रो स्क्वायर डी रो अपॉन डी टी, और हम
मल्टीप्लाइंग ऑन द बोथ साइड बाय रो डी वी ऑफ एक इक्वेशन एंड इंटीग्रेटिंग ओवर वी वी गेट डी अपॉन डी टी रो डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये वी के उसमें लिया गया सेवन इक्वेशन में, जो इंटीग्रेशन दूसरे में लिखा नहीं गया, तो यह है इंटीग्रेशन ऑफ पी अपॉन रो डी रो अपॉन डी टी डी वी ओवर वी। ठीक है, इसे ठीक कर लेना, तो इक्वेशन सेवन। अब लेकिन ये क्या है कि हम दोनों तरफ से सिंपलीफाई कर सकते हैं, डी रो अपॉन डी टी किससे निकाल सकते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, और डी डी ई अपॉन डी टी रो डी वी को हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, दोनों को हमने सिंपलीफाई किया, बट डी अपॉन डी टी ई रो डी वी का इस तरह से हम अलग अलग सेपरेट डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो डी अपॉन डी टी रो डी वी और ई डी अपॉन डी टी रो डी वी ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, जो सेवन इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसे शॉर्ट में डी अपॉन डी टी ई रो डी वी लिख सकते हैं बाई दिस, है ना, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन ऑफ रो डी वी, क्योंकि मास है ये अनचेंज विद टाइम, तो इसे हम जीरो रख देंगे, तो ये भी हम यहाँ नेक्स्ट इक्वेशन में हमने सोल्व कर लिया, डी अपॉन डी टी ई रो टी वी, और यू कैन राइट इट एज पुट इन सेवन वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी रो डी वी और वी इक्वल टू, और हम डी रो अपॉन डी टी, ये आठ इक्वेशन मिलगी, डी रो अपॉन डी टी का यहाँ से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से प्राप्त कर लेते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल रो क्यू, और इसे सेपरेट डेल रो क्यू करेंगे तो क्या होगा, रो डेल क्यू प्लस क्यू डेल रो, ये डेल रो क्या जीरो हो जाएगा ये। ठीक है, और ये सारी वैल्यू हमने इसे कौन सी इक्वेशन में रखी, आपकी आठ इक्वेशन में रखी, और जब ये सब रख लेते हैं तो हमें नौ इक्वेशन मिल जाती है, इक्वेशन नाइन। ठीक है, तो इक्वेशन नाइन प्राप्त की हमने, अब जो इक्वेशन नाइन प्राप्त की तो ये इसमें यही हमें प्रूफ करना था, डी डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ओवर वी पी डेल क्यू डी वी, इसमें कई उसमें इंटीग्रेशन में ओवर वी नहीं लिखा गया, ये ओवर वी है। ठीक है, तो नाइन इक्वेशन ये हमने क्या, अब इसे किस में रखेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में, किस में, फाइव में, फाइव में वैल्यू रख लेते हैं इसकी, तो ये क्या प्राप्त हुआ आपके, जब फाइव में रखते हैं तो ये आपका प्राप्त हुआ नाइन, टेन, सॉरी टेन, यहाँ पे हमने वैल्यू रखी, तो ये क्या हुआ, तो यहाँ पर डी अपॉन डी टी इन ब्रैकेट टी प्लस ओमेगा प्लस आई इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन पी क्यू डॉट एन डी एस ओवर एस लिख लेते हैं, और इसे हम आर के बराबर रख देते हैं, आर क्या है, आर क्या है, हैज द नेट रेट एट विच वर्क इज बींग डन बाई द फ्लूड, फ्लूड प्रेशर इज आर इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी क्यू डॉट एन डी एस एस, तो ये माइनस का प्लस भी बना सकते हैं, इनवर्ड इनवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूफ होगी। ठीक है, और इसे हम जो है ये दी वॉल्यूम इंटीग्रल फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कुछ एग्जांपल हैं जो 3.10 के एक्सटर्नल के लिए आप कर लेना, 1, 4 और 5, और 3.1 सेक्शन में लैग्रेंज हाइड्रोडायनामिकल इक्वेशन आप लोगों को भी करनी है सोल, ये इन्हीं पे ही आधारित है सब, रायलर इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ किया गया है इन सब इक्वेशन का, तो आप कर लेंगे, ये सब एनालिटिकल है, और हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होगी और कोचीज इंटीग्रल होगी, उसी में ही कोची इंटीग्रल में ही पेज 3.59 पर थ्योरम है, उसे कर लेना, वो दो लाइन की थ्योरम है कोची इंटीग्रल फार्मूले के बाद, तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया, थैंक यू।